हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। तो पंक्चुएशन क्या होते हैं बच्चों? पंक्चुएशन मार्क्स वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को सेपरेट सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस के पार्ट से अलग करते हैं। इससे हमें सेंटेंस का मीनिंग क्लियर समझ में आता है या किस टोन में सेंटेंस बोला जा रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो बच्चों, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं इंग्लिश में जो यूज किए जाते हैं, सबसे पहले फुल स्टॉप, ये एक डॉट के जैसा होता है, और ये जब कोई भी डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस का एंड होता है तब हम उसको लगाते हैं, या किस ईयर से डेट को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं, या एब्रीवेशंस के नेम पर, टाइटल के नेम पर और डिग्रीज के में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे इट्स योर बर्थडे 20.07.2023, या डिग्रीज हैं जैसे पीएचडी, डॉक्टर, सेंट मैरी, इस तरह से हम डॉट का यूज करते हैं। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बच्चों सभी तरह के क्वेश्चंस के एंड में लगाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चन टैग के जैसे व्हेन इज ही कमिंग, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इसके लास्ट में। इसके बाद होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों किसी भी एक्सक्लेमेशन के एंड पर लगाया जाता है जो कि किसी खुशी को, किसी की प्रेज में वंडर होते हैं, या कोई सोरो दुख की बात होती है, या कोई शॉकिंग न्यूज होती है, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट ए वंडरफुल डे इट इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। कॉमा का प्रयोग बच्चों हम एक छोटा पॉज देने के लिए करते हैं सेंटेंस में, जैसे कि आई एट ए पिज्जा कॉमा अ बर्गर एंड एन आइसक्रीम। सेमी कॉलन होता है जो कॉमा के ऊपर एक डॉट होता है, वो बच्चों जब यूज किया जाता है जब थोड़ा ग्रेटर पॉज रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि टू सेपरेट क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस जब उनमें कॉमा होता है, या टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज, जैसे ही लव्स स्टडी ही कांट गो फॉर ए हॉलीडे। कॉलन होता है जो दो डॉट लगते हैं, कॉलन यूज किया जाता है किसी भी कोटेशन या स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या किसी फ्रेजेस के बाद, जैसे कि शी अनाउंस टू हिज फ्रेंड आई एम गेटिंग मैरिड। इसके बाद डैश होता है। डैश बच्चों किसी भी लिस्ट के बाद में या पहले यूज करते हैं, या सेंटेंस में कोई ब्रेक लग मार्क करने के लिए करते हैं, जैसे बेसिक नीड्स फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। एपोस्ट्रोफी होता है। एपोस्ट्रोफी बच्चों जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड होते हैं, जैसे दो वर्डों को मिला करके जब हम एक वर्ड लिखते हैं, मस्ट नॉट को मस्टन, डू नॉट को डोंट, इस तरह से एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। या पजेशन के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी मार्क यूज करते हैं, जैसे टॉम्स कार, नोआस टॉय, प्रियास डॉल, इस तरह से। प्लूरल ऑफ नॉन वर्ड्स, जैसे कि लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स। प्रोनाउन, क्वेश्चन वर्ड, नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, जैसे कि देयर्स माई बेस्ट फ्रेंड, देयर इसको शॉर्ट में देयर्स लिखते हैं तो ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड में ही इसको शॉर्ट में अपोस्ट्रोफी लगाकर लिखते हैं। अब हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पढ़ते हैं। कैपिटल लेटर्स कब यूज किए जाते हैं बच्चों? सेंटेंस का कोई भी फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड फॉर एवरी लाइन ऑफ वर्ड्स, या डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर में शुरू होते हैं। डेज और मंथ्स के नाम भी कैपिटल लेटर में शुरू होते हैं। किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन का नाम भी कैपिटल से शुरू होता है। इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिक बिल्डिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब नाम जो होते हैं कैपिटल लेटर से। एब्रीवेशन या हिस्टोरिक इवेंट्स जो होती हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, और आई प्रोनाउन के लिए भी हम हमेशा कैपिटल यूज करते हैं। तो बच्चों अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिन्हें हमें पंक्चुएट करना है। जैसे फर्स्ट है, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज लोकेटेड इन दिस एरिया। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, तो द का टी कैपिटल बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल, एजुकेशन का ई और ऑफिसर का ओ। द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज लोकेटेड इन दिस एरिया, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं, हैव यू एवर बीन टू पेरिस ही आस्क्ड।
तो हैव का एच कैपिटल बनेगा और ये इन्वर्टेड कॉमास में हम शुरू करेंगे, हैव यू एवर बीन टू पेरिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ही आस्क्ड में एच कैपिटल और ही आस्क्ड, इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। वेयर विल यू गो इन द नेक्स्ट विंटर में डब्ल्यू कैपिटल बनेगा वेयर का, वेयर विल यू गो इन द नेक्स्ट विंटर का डब्ल्यू कैपिटल। इसी तरह से शोभित आस्क्ड फिर कॉमा एपोस्ट्रोफी कॉमा स्टार्ट विल का डब्ल्यू कैपिटल, विल यू कम विद मी इन द सेम बस, फिर क्वेश्चन मार्क लगाकर एपोस्ट्रोफी ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट द फेस्टिवल ऑफ होली में टी कैपिटल द का, द फेस्टिवल ऑफ होली फॉल्स इन मार्च, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हम सेंटेंस में पंक्चुएशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में भी हमें सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन करके उनको दोबारा लिखना है। जैसे विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, तो विलियम डब्ल्यू कैपिटल, शेक्सपियर का एस कैपिटल, विलियम शेक्सपियर फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखेंगे, विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी के बाद फुल स्टॉप। मोहित कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, एम कैपिटल मोहित का फिर कॉमा कैन का सी बड़ा, कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे के बाद क्वेश्चन मार्क। अन्नी लुक्ड हैप्पी, अन्नी का ए कैपिटल, अन्नी लुक्ड हैप्पी एज शी स्कोर्ड गुड मार्क्स के बाद फुल स्टॉप। स्वाति आस्क्ड हाउ आर यू ऑल, स्वाति का एस कैपिटल, आस्क्ड हाउ आर यू ऑल के बाद क्वेश्चन मार्क। ही सेड एच कैपिटल, ही का ही सेड, द हिंदी टीचर एच कैपिटल हिंदी का, हिंदी टीचर विल बी एब्सेंट टुमारो के बाद फुल स्टॉप। थैंक यू।